चलो अब्दुल, एक जरूरी काम है। जी साईं। साईं, हम भी साथ चले? नहीं रंभा, तुम दोनों इनका ख्याल रखना, थोड़ी देर बाद इन्हें फिर से दूध पिला देना। मेरी अनुपस्थिति में यहां कोई आए तो उनका ख्याल रखना, समझ लेना मेरे खास मेहमान हैं। ठीक है साईं। क्या हुआ रम्मा, तुम परेशान क्यों हो? शनि मंदिर तो हम गए ही नहीं, सुना है ऐसे जाने की बात करके ना जाओ तो ईश्वर नाराज होते हैं। ईश्वर नाराज हो जाए तो गुरु बचा लेता है, लेकिन अगर गुरु नाराज हो जाए तो ईश्वर भी नहीं बचा सकता। हमारे गुरु साईं हैं, उनका आदेश सारा खो फिर। हम जा कहां रहे हैं साईं? सलीम के घर। सलीम के घर? वहां सब खैरियत तो है ना? अब्दुल, क्या मैं खुशी में किसी के घर नहीं जा सकता हूँ? जा सकते हैं, लेकिन आज रेहाना आपा के हाथ का बना शीर खुरमा खाने का बड़ा मन कर रहा है। ओह, मैं तो बेकार में डर गया था। लेकिन साईं, आज ना ईद है ना और कोई बात, तो उनके घर शीर खुरमा बना भी होगा। अब्दुल, जो अल्लाह का नेक बंदा होता है उसके घर हर दिन ईद होती है। साईं, कहाँ है साईं? आइए, यहाँ है द्वारका मंदिर। साईं, ये कौन है जो साईं को इतनी निरादर से बुला रहे हैं? कहाँ है? हैं? पर रहता है वो साईं जी। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि पलकों पर बिठा के रखा है तुम लोगों ने। लेकिन साईं तो यहीं पे रहते। काका, आपका परिचय? तुमसे मतलब? चंदू भाव, ये कौन है? पता नहीं, मुझे तो सरफिरा लग रहा है, रास्ते में मिला और यहां लाने की जिद करने लगा। मेरे बारे में तुम लोगों की चर्चा खत्म हो गई हो तो कोई मुझे बताएगा कि साईं कहाँ है? काका, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। कब तक आएगा?
थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप उनका यहाँ पे इंतजार कर सकते हैं। मैं साई का इंतजार करूंगा? उल्टा उसे मेरे सत्कार स्वागत के लिए यहाँ होना चाहिए था। भेजो किसी को और बुलाओ उसे वापस अभी के अभी। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। मैं भिक्षा लेकर आती हूँ साईं। रेहाना, आज मैं किसी और कारण से आया हूँ। ये तो हमारा नसीब है साईं। अंदर आइए। आज हमारे घर के भाग जाग जाएंगे साईं, जो आपके पाक कदम हमारे आंगन में पड़ेंगे। शीर कुर्मा खाने का बड़ा मन कर रहा था और शिरडी में आपसे बेहतर शीर कुर्मा कोई नहीं बनाता है। अल्लाह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप खुद आए हैं साईं, और वो भी शीर कुर्मा खाने के लिए। साईं, आप नहीं भी कहते ना तो मैं अपने हाथ से बना के आपको शीर कुर्मा जरूर खिलाती, क्योंकि आपका हमारे घर आना हमारे लिए ईद से कम नहीं है साईं। आइए सर। काका, आप यहाँ पहली बार आए हैं, इसलिए आपको पता नहीं है कि जहाँ पर आप गलती से बैठ गए हैं वो दरअसल साई की बैठक है। तो वहां साई के अलावा कोई नहीं बैठ सकता है। मैं तो बैठा हूँ और तब तक बैठा रहूंगा जब तक साई आकर मुझे उठने के लिए नहीं कहता है। ये क्या बात हुई काका? हम आपसे इतना सम्मान से बात कर रहे हैं और आप है कि हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। जब आपको कह दिया कि वहाँ साई बैठते हैं तो कह दिया, अब आपको वहाँ से उठना। मैंने भी कह दिया कि साई को बुलाओ, वो कहेगा तो मैं उठूंगा, वरना किसी की बात नहीं मानूंगा। लंबी यात्रा करके आया हूँ, भूखा हूँ, भोजन का प्रबंध करो। रंभा, साई ने कहा था कि उनका कोई भी मेहमान आया हमें उसकी अच्छी खातिरदारी करना है। इसमें भी जरूर साई की कोई लीला होगी। आप सही कह रहे हो, मैं अभी बनाती हूँ। सुनो, रंग का भोजन देना, मुझे अच्छा भोजन चाहिए, लेकिन यहाँ जो देख रहा हूं तो लगता नहीं कि ढंग का भोजन मिलेगा मुझे। लगता है साई भी मांग मांग कर खाता है, तो मुझे क्या खिलाएगा? इस दुनिया के चालक है मेरे साई, कुबेर है मेरे साई, सारी दुनिया को रोशनी देने की क्षमता रखते हैं मेरे साई। यहाँ आया हुआ कोई भी व्यक्ति आज तक खाली झोली लिए नहीं गया है। आपको कोई हक नहीं है साई के खिलाफ कुछ भी गलत कहने का। भीवा बहु शांत, ये जैसे भी हैं हमारे साई के मेहमान हैं, और साई कहते हैं कि अतिथि ईश्वर का रूप होता है, हमें इनकी खातिरदारी करनी होगी, क्योंकि साई भी यही करते हैं। मेरा साई ये है, मेरा साई वो है,
तुम लोगों से बेहतर जानता हूं मैं साई को। तुम लोग क्या सिखाओगे मुझे है? बड़ा आया सिखाने वाला। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं काका, साई को हर कोई अपने तरह से जानता है। आप थोड़ी देर रुकिए, हम खाने का इंतजाम करते हैं। चंदू काका जरा मेरी मदद करवा दीजिए। हाँ लोगों के यहाँ कोई बाहर से आता है तो उसका सिर्फ मुंह ताकते रहते हो, पानी वानी नहीं पिलाते हो? अभी लाया काका। आते भाऊ, ये है कौन, यहाँ क्यों आया है? स्वादिष्ट है। साई ने सही कहा था, इससे लजीज शिरकुरमा और कोई नहीं बना सकता। आज आपका इस तरह से अचानक आना आप समझ नहीं सकते हैं साई, मेरे और रेहाना के लिए कितनी खुशी की बात है। सलीम, जीवन में कभी भी कोई भी चीज अचानक नहीं होती है। हर बात में मालिक की मर्जी शामिल होती है। अगर आज मुझे शीर खुरमा खाने का इतना मन हुआ है तो इसके पीछे भी मालिक की कोई मर्जी जरूर छिपी होगी। सलीम भाईजान, घर पे हो? आमिर मियां, सलाम वालेकुम। आमिर भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई, सब खैरियत तो है? बहुत थक गया हूं, अंदर चल के बात करें। हाँ आ जाओ, संभाल के। शुक्रिया। लेकिन आमिर भाई, आपको हुआ क्या है? कुछ तो गलती हुई होगी जिसके लिए अल्लाह ने मुझे ये सजा दी। चार साल हो गए सलीम भाई, गठिया के रोग ने जकड़ कर रखा है। हर एक इलाज किया लेकिन सब नीम हकीम निकले। अंग्रेजी डॉक्टर के पास भी गया था, दरगाह पे चद्दर भी चढ़ाई लेकिन दर्द जरा भी कम ना हुआ। आप तो जानते हैं सलीम भाई कि आंध्रे में अपना कितना बड़ा धंधा है। पूरे शहर में अपनी दुकान मशहूर है। अल्लाह ने पैसे देने में कोई कंजूसी नहीं की, लेकिन एक हाथ से पैसे दिया तो दूसरे हाथ से सेहत ले ली। अल्लाह पर भरोसा रखिए आमिर भाई, वो सब ठीक कर देगा। लेकिन आमिर भाई, इस हालत में आप आंध्रे से इतनी दूर आए, कोई जरूरी काम था? ये सोच लीजिए कि अपनी आखिरी उम्मीद की तलाश यहाँ ले आई है। बहुत लोगों से सुना है कि शिरडी में साईं बाबा नाम के कोई औलिया रहते हैं जिनके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता।
बस यही सोच के अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ आया हूँ कि एक बार उनसे मुलाकात हो जाए तो शरीर की पीड़ा से छुटकारा मिल जाए, यही इच्छा है। सलीम भाई, आप तो जानते होंगे ना साईं बाबा को, आप एक कदम और चलने की हिम्मत नहीं है मुझ में। भाईजान, क्या बात है, आप सब लोग मुस्कुरा क्यों रहे हैं? सही कहते हैं साईं, जीवन में कोई भी चीज कभी भी अचानक नहीं होती, हर बात में मालिक की मर्जी शामिल होती है। मतलब? जिन साईं बाबा से मिलने के लिए तुमने यहां तक का सफर तय किया है वो यही है तुम्हारे सामने। ठीक ही है, मेरी पसंद का नहीं है। इतना मिर्च मसाला, आज रात से मेरी पसंद का खाना बनना चाहिए, ध्यान रहे। साई, साई, साई कहाँ है? कहीं बाहर गए माधव काका। नमस्कार काका, आप साई से मिलने आए हैं? अरे कैसे बेवकूफों वाले सवाल करते हो आप लोग। साई का घर है तो साई को ही मिलने आऊंगा ना। साई के मेहमान है? मेहमान नहीं, मालिक हूं मैं इस द्वारका माई का मालिक। काका ये क्या बात हुई, हम आपको पूरा सम्मान दे रहे हैं लेकिन आप खुद देखिए बेइज्जती कर रहे हैं आप हमारी। तो क्या आरती उतारूं तुम लोगों की? जब आया तब पानी तक नहीं पूछा, ये खाना ऐसा है कि गले से पेट तक जलन हो रही है, और तुम लोग मेरे घर में घुसकर मुझे मेहमान बना के तरह तरह के सवाल पूछ रहे हो। देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये द्वारका माई साई का घर है। साई मेरा है, उसकी हर चीज पर मेरा अधिकार है, द्वारका माई पर भी। तुम में से किसी ने मुझे मेहमान कहा ना तो सबको यहां से निकाल दूंगा। कौन है ये? पता नहीं माधव काका, लेकिन जब से यहां आए हैं बस हुक्म पे हुक्म चला जा रहे हैं।
मैं आपसे मिलने इतनी दूर से आया हूँ और आप मेरा यहाँ इंतजार कर रहे हैं। अब मुझ में फिर से उम्मीद जाग चुकी है। पूरा बदन जकड़ गया है। इतनी तकलीफ सहने से अच्छा है कि जान निकल जाए। आमिर, जिंदगी के किसी भी दर्द का इलाज मौत नहीं है, इलाज है दर्द का सामना करना, उससे जीतना। अब तक मैं हिम्मत हार चुका था, लेकिन आज लग रहा है कि मैं लड़ सकता हूं, जीत भी सकता। यही हौसला जीत की तरफ पहला कदम है, और पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है, इसके आगे सब आसान होगा। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओ साईं, इस तेल को सुबह शाम अपने घुटनों और जोड़ों पर लगाना। अब समझ में आया कि आज सुबह ये तेल आप क्यों बना रहे थे। आप जानते थे कि आमिर भाईजान आने वाले हैं, कहाँ रह गया ये साईं? माधव काका, आपको साई से कुछ काम था? हाँ, मैं अभी अभी बाहर गांव से लौटा हूँ, वहां से मैंने साई के लिए खास इतर लाया है, मिट्टी का इतर। रुकिए काका, मैं उठाता हूं। ताला लगाओगे? बंद करोगे ये जगह? मैं होने नहीं दूंगा। बाहर जाओ अभी का भी। निकलो निकलो। हाँ
हम आपका सम्मान कर रहे हैं क्योंकि ये साई की द्वारका माई है, ये सबके लिए खुली है, सबका स्वागत है यहाँ। और आप यहाँ किसी को भी बाहर जाने के लिए नहीं कह सकते। या तो मेरे कहने में कमी रह गई है या तुम लोगों के सुनने समझने में। फिर से दोहराता हूँ, ये जगह साई की नहीं है, ये जगह मेरी है, क्योंकि वो साई भी मेरा है। देखिए आप काका, आप मेरे कारण गुस्सा मत कीजिए। आपको तकलीफ हो रही है तो मैं ही चला जाता हूं। क्या हटा, चलो हटाओ, जगह दो। अजय अभी तक आया क्यों नहीं है साईं? ये यहां क्यों पड़े? बाहर निकालो, फेंको इन्हें। साईं नया लेकर आए। अकल नहीं है साईं को? बाहर निकालो, फेंको इन्हें। आप बहुत ही अजीब इंसान है, आपको दिख नहीं रहा वो बच्चे अपनी माँ के साथ कितना खुश है। आपके मन में करुणा नहीं जाग रही है क्या? मैंने कहा बाहर फेंको इन्हें। नहीं, कभी नहीं। अब तक आपकी बातें मानकर गलती की, लेकिन अब नहीं। ये बेचारे किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, कितने सुकून से बड़े हुए हैं। इनका सुकून ही मेरी तकलीफ है। क्या मतलब? तुझे मतलब? मेरे घर में मुझसे ही सवाल? तुम इन्हें बाहर निकाल रही हो या मैं निकालूं? ये तो यही रहेंगे क्योंकि साईं का आदेश है और उनका आदेश मेरे लिए ईश्वर के आदेश के समान है। साईं के आदेश से मेरा आदेश ऊपर है। हाँ हाँ, बड़े आए, जानते तक नहीं है हम आपको, और आए आदेश चला ले। मैं भी देखती हूँ कौन निकालता ही नहीं यहाँ से। रंभा शांत हो जाओ, साईं की बात याद रखो। उन्होंने हमसे कहा था कि कोई भी है उसका ख्याल रखना। मर्यादा का पालन दोनों तरफ से होना चाहिए। साई को ढूंढकर जल्दी बुलाना होगा, बस हम वही संभाल सकते हैं। तो तुम दोनों नहीं निकालोगे हैं? नहीं निकालोगे ना? ठीक है, मैं ही निकालता हूं। रुकिए, अगर आप जिद्दी हैं तो मैं महाजिद्दी बन सकती हूँ। रुक, तू रुक। आने दे साई को, इन कुत्तों के साथ साथ तुझे भी बाहर निकलवा दूंगा मैं। आप है कौन, खुद को समझते क्या है? मैं साईं का सब कुछ हूं। आने दे साईं को, सब समझ जाओगी तुम। नहीं निकाल रहे हो तुम लोग? नहीं निकाल रहे हो? ठीक है, मैं ही निकालता हूं। रुकिए, अगर आप जिद्दी हैं तो मैं महाजिद्दी बन सकती हूँ। रुक, तू रुक। आने दे साईं को, इन कुत्तों के साथ साथ तुझे भी बाहर निकलवा दूंगा मैं। आप हैं कौन, खुद को समझते क्या है? मैं साईं का सब कुछ हूँ। आने दे साईं को, सब समझ जाओगी तुम। काका, अपनी पत्नी के क्रोध के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन साई हमारे गुरु हैं,
और गुरु की आज्ञा का पालन करना हमारा परम धर्म है। साई ने हमसे कहा था इन कुत्तों का ध्यान रखना, इसलिए हम आपकी बात नहीं मान रहे हैं। बस एक बार साई यहां पर आ जाए, फिर वो जो कहेंगे हम करेंगे। लेकिन तब तक आप कृपया करके हमें धर्म संकट में मत डालिए। ठीक है, अब साई ही आकर इन्हें निकालेगा। साई ऐसा कभी नहीं करेंगे। देखते हैं। मैं क्या बोलूं? आपसे मिलके मुझे जो भी लगा उसके बाद तो मेरी यही तमन्ना है कि मैं यही रहूं, आपकी पनाह में, द्वारका माई में आपकी सेवा करूं। नहीं आमिर। पर क्यों साईं? तुम्हें कहां रहना है मैं बताऊंगा, चलो मेरे साथ। इमरान, शकील, रुको। आमिर, तुम खुद कोशिश करो उठने की। साईं, मैं खुद कैसे? कोशिश तो करो, होगा। कोशिश करो आमिर, बिना कोशिश के कोई सफल नहीं होता है। चलो। आओ मेरे साथ। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, तेरी श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई ओम साई। आप लोग क्यों आ रहे हैं? इनके खादिम हैं हम, ये जहां भी जाते हैं हम साथ चलते हैं, कहीं कोई जरूरत पड़े तो। इनके खाने का और रहने का सारा इंतजाम हम ही करते हैं। करते थे लेकिन अब नहीं। आमिर,
जहां मैं तुम्हें भेज रहा हूं वहां तुम्हें अकेले जाना होगा, अकेले रहना होगा, अपना हर काम खुद करना होगा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है साईं? मेरा हर काम यही करते हैं। इस दर्द में अपने काम करने की आदत नहीं रही मुझमें। 4 साल पहले इस दर्द को सहने की आदत भी तो नहीं थी ना, लेकिन पड़ गई। आदत वही लगती है जो हम लगने देते हैं। जिस तरह तुमने कोशिश की और खुद खड़े हो गए, अपने आप चलकर यहां आए, उसी तरह कोशिश करने पर तुम ये भी कर लोगे। ऐसे ही होगा तुम्हारा इलाज। लेकिन आमिर, मैं तुम पर कोई जोर नहीं डालूंगा, आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। जैसे आपकी मर्जी। साई, साई, साई। क्या हुआ भीवा? आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? साई, द्वारका माई में आपकी जरूरत है। एक बहुत बड़ी बला आई हुई है। कैसी बला? अब्दुल, वो मैं देख लूंगा। तुम आमिर के साथ जाओ उस जगह जहां इसे आगे के दिन बिताने हैं। कौन सी जगह साईं? शिरडी की पुरानी चावड़ी। पुरानी चावड़ी? लेकिन साईं, ये वहां रह पाएंगे? मुझे तो विश्वास है आमिर पे। तुम अब्दुल के साथ जाओ आमिर, लेकिन याद रखना, तेल की मालिश और खाने पीने और रहने का ख्याल तुम्हें खुद रखना है। बाकी मन में साई के अल्लाह माले कौन जान पाए। ओम साई ओम, चलो साई ओम साई ओम साई ओम। पुरानी चौड़ी कैसी है? अब इन्हें क्या बताऊं? पता नहीं पूरी शिरडी में इनके लिए साईं ने वही जगह क्यों चुनी। चलिए। सुरभि जी आई। जी जी सासु भाई, कहां मर गई थी? मैं वो बाहर। ये क्या है? आपका हार सासु भाई। तो फिर ये अभी तक इतना मैला क्यों है? मैंने बोला था ना, सुनार के पास जाके इसे साफ करवा देना। मैं गई थी और साफ भी करवाया था। ये साफ है? ये होता है साफ? अरे इसकी चमक कहां है? अरे मेरी ही गलती है जो तू जैसी फटीचर को सोने के हार को साफ करवाने सुनार के पास भेजा। अरे तेरे गरीब बाप की औकात ही कहां जो सोने के गहने बनवाए और अपने बच्चों को दिखाए। क्या हुआ आई? आप क्यों डांट रहे हैं सुरभि को? तू बीच में मत बोल बेटा। तेरे बाबा ने समाज कल्याण के नाम पे इस फटीचर को हमारे कंधों पे लाद दिया। इसे अक्कल तो है नहीं, सारी बात चिल्ला चिल्ला कर समझानी पड़ती है।
आज मेरा वैभव लक्ष्मी का आखिरी व्रत था। मैंने सोचा पुस्तनी हर आरती में रखूंगी, इस निकम्मी ने इसे साफ ही नहीं करवाया। वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए मैंने 56 भोग बनाए थे, सारे बर्तन उसमें लग गए। जाके बर्तन दो। जी मैं कर देती हूँ। तो जाना भी मेरे सर पे क्यों खड़ी है, जा। वो सासु भाई, हर हफ्ते कथा के समय आप मुझे कोई ना कोई काम दे देती है। आज आप उद्यापन कर रही है तो मैं भी बैठकर कथा सुनना चाहती हूँ। तू कथा सुनेगी? यहाँ मैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रही हूँ, आरती कर रही हूँ, और तू दरिद्रता की निशानी। अब लक्ष्मी, अगर तू कथा में बैठी ना तो आती हुई लक्ष्मी भी उल्टे पैर चली जाएगी। अरे दूसरों की बहू दहेज में पूरा घर भर के सामान लाती है और तू अपने लिए दो नई साड़ी भी नहीं लाई, और तू कथा सुनेगी? जाके बर्तन दो, जा ना। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो ममता, सुरभि इस घर की बहू है। बहू आपने बनवा दिया, वरना एक गरीब की बेटी को मैं अपने घर की बहू कभी नहीं बनने देती। काश किसी तरह तुम्हें समझा पाता कि दोष सुरभि की दरिद्रता में नहीं, तुम्हारे विचारों की दरिद्रता का है। मैं अभी आया। परसवाई द्वारका में भी? चंदू, ये काम उससे ज्यादा जरूरी है। शाम देही। हाँ, मैं साई को प्रसाद देकर आती हूँ। प्रणाम साई। राम जी भला करे। साई, आज मेरा वैभव लक्ष्मी का उद्यापन हुआ है, आशीर्वाद दीजिए कि माता लक्ष्मी मुझ पर प्रसन्न हो जाए। माफ कीजिए ममता जी, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। ये आप क्या कह रहे साई? मैंने हर नियम का पालन करके उपवास किया है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मैंने पूजा में कोई कमी नहीं रखी, फिर मुझे फल क्यों नहीं मिलेगा? अगर लक्ष्मी माँ आपसे खुश होती तो उनके कदम आपके घर से बाहर नहीं जा रहे होते। ये कैसे हो सकता है साई? मैंने खुद रंगोली देखी थी, तब लक्ष्मी माँ के पैर अंदर की तरफ थे। फिर जरूर कुछ ऐसा काम हुआ होगा जिससे लक्ष्मी माँ नाराज हो गई है। बचाओ, बचाओ!
जाओ, हटिए हटिए वहां से। अरे मेरी ही गलती है जो तू जैसी फटी चर को सोने के हार को साफ करवाने सुनार के पास भेजा। अगर तू कथा में बैठी ना तो आती हुई लक्ष्मी भी उल्टे पैर चली जाएगी। मदद कीजिए, सुरभि को बचा लीजिए साईं, मेरी मदद कीजिए। शांत हो जा। तुम्हें यहां कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा। तुम यहां से निश्चिंत होकर जा सकते हो। जी, दरिद्र अलक्ष्मी कहे जाने वाली लड़की ने आज आपके सुहाग की रक्षा की है। ईश्वर आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि असली लक्ष्मी तो आपकी बहू के रूप में आपके घर में पहले से ही मौजूद थी। जिसने आपके घर को हरा भरा रखा है, जहां गृहलक्ष्मी का अनादर होता है वहां वैभव लक्ष्मी कैसे आ सकती है। मैं ये पूजा पाठ का पाखंड करती रही, पर असल में तो पूजा मुझे सुरभि की करनी चाहिए। मुझे माफ कर दे बेटी, आज तक मैंने तेरे साथ जो भी किया वो आगे से नहीं होगा। मैं तुझे वो प्यार और सम्मान दूंगी जिसकी तू हकदार है। तेरी खुशी में ही मां वैभव लक्ष्मी की खुशी समझूंगी। अगर लक्ष्मी माँ आपसे खुश होती तो उनके कदम आपके घर से बाहर नहीं जा रहे होते। लक्ष्मी जी हमारे घर से नहीं जा सकती। जब मुझे मेरे सासू माँ से कोई शिकायत नहीं है,
तो लक्ष्मी माँ को कैसे हो सकती है? साई, अब आप ही कुछ कीजिए। आज जब ममता जी ने अपना मन साफ कर लिया है तो माँ लक्ष्मी भी अपना क्रोध त्याग देगी। आओ मेरे साथ। धन्यवाद साई। धन्यवाद अपनी बहू को कहिए, अपनी असली लक्ष्मी को कहिए। मनोहर, माता पिता की आज्ञा का पालन करना अच्छी बात है, लेकिन कभी कुछ गलत होता देख चुप रह जाना ये उचित नहीं है। अगर माता पिता कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्हें उनकी गलती के बारे में बताना ये बच्चों का अधिकार भी है और फर्ज भी। जिस तरह बचपन में वो बच्चों को सही गलत, अच्छे बुरे का फर्क समझाते हैं, जरूरत पड़ने पर बच्चों को भी वही करना चाहिए। यही परिवार की मजबूत नींव का प्रतीक है, अच्छे संस्कारों का प्रतीक है, स्वस्थ संबंधों का प्रतीक है। आगे से ऐसा नहीं होगा साई, मुझे माफ कर दो सुरभि। मैं अभी सुरभि को सारी खुशियां दूंगी, इस घर की लक्ष्मी बनाकर रखूंगी। राम जी भला करें। साईं को आने दो, तब तुम दोनों को पता चलेगा कि मैं कौन हूं, या मेरा हुक्म चलेगा। सही कह रहे हैं ये। Woo-hoo!
बहुत देर लगा दी, कहाँ थे अब तक? किसी की मदद कर रहा था। आइंदा मुझे पूछे बिना कहीं नहीं जाओगे। जैसा आप कहें। इन्हें कह दो कि मुझे कुत्ते पसंद नहीं है, ये यहां नहीं रहेंगे। जैसा आप चाहते हैं वही होगा यहां। देखा साईं, ये आप क्या कह रहे हैं? इन मां बच्चों को तुम अपने घर ले जाओगे? आपकी इच्छा हमारे लिए आदेश है साईं। जाओ, ये तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। इन्हें मेरी अमानत समझना। अब तो हम इन्हें अपने बच्चों की तरह पालेंगे सही। देखा, कहा था ना मैंने।